अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ऑलमंड स्पंज केक, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑफ लिक्विड मिल्क, 1 कप ऑफ आइसिंग शुगर, 1/4 कप बटर, 1 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ क्रश्ड ऑलमंड्स, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हमें चाहिए 2 eggs। सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ और उसको मैं नॉर्मल फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करूँगी। और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सा भी ढक्कन उल्टा करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक मॉल लिया है और इसके अंदर ऑयलिंग करके बटर पेपर लगा दिया है। फिर हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे बटर एंड आइसिंग शुगर। पहले इन दो चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे 2 मिनट्स के लिए। जब वाइट एंड क्रीमी हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 2 eggs और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा एंड बेकिंग पाउडर, जो मैंने पहले से स्ट्रेन कर लिया था, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ लिक्विड मिल्क, लेमन जूस एंड ऑलमंड्स डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मोल्ड में डाल देंगे। इसको अब मैं बेक कर रही हूँ 35 to 40 मिनट्स के। इसको हम बेक करेंगे नॉर्मल फ्लेम पर। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 to 30 मिनट्स के बेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे चार्टलेट स्टिक से। मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखें, ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसको अगर आप चाहें तो उसके ऊपर ऑलमंड लगा सकते हैं, पर इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ। व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये केक बना है। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही सॉफ्ट था। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।